हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राउशन द फिक्स में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका नाम है गॉस लॉ एप्लीकेशन। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जेई के लिए, नीट के लिए काफी यूजफुल टॉपिक है। तो इसका पूरा निचोड़ मैं आपको बताऊंगा, जितने भी एप्लीकेशन हो सकते हैं वो सारे इसी क्लास में हम कवर करेंगे। तो ये गॉस लॉ एप्लीकेशन का आपका वन शॉट है, पूरे एप्लीकेशन में कंप्लीट कराने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को देखना, हर एक कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसी भी तरह का एप्लीकेशन आपके सामने आ जाए, किसी भी तरह का न्यूमेरिकल आ जाए, भाई साहब आप तुरंत इसको बना जाओगे। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप पढ़ने आए हो तो प्लीज बिना स्किप किए एक एक चीज को समझने का प्रयास करना, मजा ना आ जाए तो कहना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कई लेक्चर में बना चुका हूँ चैप्टर फर्स्ट के, उन सबका आपका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही हम टेलीग्राम पर टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, इनका जो भी PDF वगैरह होगा वो भी मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आइए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए गॉस लॉ एप्लीकेशन, तो देखिए गॉस लॉ को एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए मैं आपको कुछ मेथड बताऊंगा, बस इस मेथड को ध्यान सुन लेना भाई साहब। ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है जो आपसे ना बन जाए। मेथड के कुछ स्टेप्स हैं, हर मेथड को फॉलो करने के कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं। तो इसको फॉलो करने के चार स्टेप्स हैं और चार स्टेप में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इन स्टेप्स की मैं बाद में बात करूंगा। यहाँ पर इन मेथड में एक शब्द आ रहा है कंसीडर गाउसियन सरफेस। तो समझ लेते हैं गाउसियन सरफेस क्या होता है। देख ध्यान समझना, गाउसियन सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ साहब? गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जहां पर हम स्पेसिफाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा की डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा की डायरेक्शन को। देखो सर, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास एक क्यूब है बेटा। क्या है? क्यूब, ठीक है। क्यूब बना लेते हैं बेटा अपन इस तरह से, ये क्यूब है। आपको एक चीज तो पता होगी अगर आपने इस टॉपिक को देख रहे हैं तो, गॉस लॉ आपको आता होगा। गॉस लॉ किस चीज के लिए? गॉस लॉ में ये कहा जाता है कि चार्ज है तो कहां है? क्लोज सर्फेस के अंदर है, क्लोज सर्फेस के अंदर, इनसाइड भी नहीं आउटसाइड भी नहीं, इनसाइड होना चाहिए। कहां होना चाहिए? इनसाइड। तो मैं यहां पर एक क्या ले रहा हूं, क्यूब ले रहा हूं साहब। अब ये मैंने बेटा क्यूब बनाया इस तरह से और चार्ज को मैंने कहां रख दिया? इसके अंदर रख दिया। अब एक चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, तो आप इमेजिन करिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, नीचे वाले सरफेस से नीचे की तरफ निकलेगा, ये वाले सरफेस से इधर की तरफ निकलेगा, ठीक है। सामने वाले सरफेस से अब ऐसे निकल कर आएगा, देखो ये वाले सरफेस से ऐसे निकल कर आएगा, और इसके पीछे वाले से, अगर सामने वाले की बात करूं तो मैं इसको डॉट से इंडिकेट कर सकता हूं, और पीछे वाले की बात करूं तो मैं उसको क्रॉस से इंडिकेट कर सकता हूं। क्योंकि ये 3D शेप है तो हर डायरेक्शन बता पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप इस तरह से भी समझ सकते हो बेटा कि चार्ज को लिया मैंने, डब्बे को खोला, गॉस ने हमको बताया कि देख सुन कि चार्ज ले उसके अंदर रख दे और इस डब्बे को बंद कर दे। तो इस चार्ज के साथ चारों तरफ क्या है? क्लोज सरफेस है। तो उस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा ये हमको गॉस ने बताया, फाइव इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस ने बताया जब चार्ज कहाँ हो? अंदर। क्यू क्या होता है? क्यू इज द टोटल चार्ज इनसाइड द गाउसियन सरफेस या क्लोज सरफेस। अब देख जब चार्ज बेटा इसके अंदर होगा तो बड़ा बात को जरा ध्यान से सुनना, इधर आप पास में आ, इसके अंदर चार्ज है, देख सुनना बात को। तो देख चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ निकलेगा, तो इस सरफेस की बात करूं देख टॉप वाले की, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, ये निकला इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके नीचे वाले से ऐसे निकलेगा, ये वाले से ऐसे निकलेगा, ये वाले से ऐसे निकलेगा, सामने वाले से ऐसे निकलेगा, जिसको मैंने डॉट करके दिखाया, देख डायग्राम में डॉट, और पीछे वाले से ऐसे निकलेगा, इसको मैंने क्या करके दिखाया? क्रॉस करके दिखाया। बात समझ में आई? इस तरह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है भाई, ये तेरा, ये क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी तेरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी क्या है? तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको बेटा एक चीज तो पता होगी, क्या पता होगी? कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी कि देख अगर चार्ज तेरा बीच में है तो बीच में चार्ज है, और बीच से अगर आप क्यूब की बात करेंगे तो क्यूब का जो भी डिस्टेंस, मतलब बीच में तुमने चार्ज रख दिया, तो वहां से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, मान ले वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म। यानी कि इस सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड तेरा सेम है, इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, क्योंकि डिस्टेंस तेरा सेम है। और अगर डिस्टेंस तेरा सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तेरा क्या हो गया? कॉन्स्टेंट। अच्छा, बात समझ में आई? तो गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस होगा जिस पर हर जगह पर तेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री मिलेगी, एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। दूसरी सिमेट्री होती है तेरी थीटा की। अब बेटा तू थीटा की सिमेट्री कहां से देखी जाती है? तो थीटा की सिमेट्री होती है एरिया वेक्टर से। अब आपको पता ही होगा एरिया वेक्टर किसको कहा जाता है। जैसे तेरा बेटा ये सरफेस है, ये आपका सरफेस है, ये पूरा तेरा सरफेस है। अब इसका एरिया कुछ भी हो सकता है, क्यूब है तो ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, तो ए स्क्वायर। अगर ये वाली लेंथ तेरी ए है, ये वाली लेंथ ए है, तो ए मल्टीप्लाई ए करेगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ये तो तेरा एरिया का मैग्नीट्यूड आया। इसकी डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे। देख इस वाले सरफेस की डायरेक्शन कैसी होगी?
सरफेस के नॉर्मल आउटसाइड बाहर की तरफ होगी, इस पीछे वाले के लिए ऐसे होगी, ऊपर वाले के लिए ऐसे। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल रहा हूं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल रहा हूं, ये सरफेस उसकी डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये सरफेस ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये सरफेस ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये सरफेस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये सरफेस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। पहले मैं किसकी बात कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी ऐसे ही था, ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और एरिया वेक्टर भी कैसा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि आपका यही डायरेक्शन में क्या है, एन कैप, यानी कि एरिया वेक्टर, ये भी एन कैप तेरा, ये भी तेरा क्या है एन कैप, ये भी तेरा क्या है एन कैप, मतलब हर तरफ एन कैप यानी कि एरिया वेक्टर, एन कैप यानी कि एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल कितना साफ जीरो, एंगल कितना जीरो, एंगल कितना जीरो, हर जगह थीटा की वैल्यू कैसी आ रही सेम, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी आ रही सेम, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम एंगल पर है, इक्वी डायरेक्शन में। तो ऐसी वाली सरफेस को हम बोलते हैं गाउसियन सरफेस, क्या बोलते हैं बेटा गाउसियन सरफेस, क्लियर है। अच्छा चल और फील कराता हूं थोड़ा, देख मान ले तेरे पास एक पॉइंट चार्ज है बेटा, पॉइंट चार्ज अपने चारों जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है उस तरह से निकालता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, ये पॉइंट चार्ज अपने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, ये किसकी डायरेक्शन भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, ध्यान समझना बेटा, पूरी क्लास देखने के बाद मजा ना आ जाए ना, डर खत्म हो जाएगा भाई साहब, एप्लीकेशन लॉ से बहुत शानदार तरीके से क्लियर कर दूंगा। अब ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, अंदर भी निकल रही है बाहर भी निकल रही है चारों तरफ, ठीक है। लेकिन ये 2D है यार, जहां कैसे बता दूं। अब यहां पर तुम एक गाउसियन सरफेस कंसीडर करो, तो आप यहां पर स्फीयर बना सकते हो, इस पॉइंट के चारों तरफ क्या बना सकते हो, इस पर। अरे भाई गाउसियन सरफेस इस तरह से बनानी चाहिए कि उसके अंदर वो चार्ज आ जाए, कहीं से भी हम चार्ज को देख ना पाए, यहां से वहां से कहीं से ऊपर से नीचे डां से कहीं से भी देख पाए भाई साहब, उसके अंदर आ जाना चाहिए। तो तू सोच कि अगर स्पेस में यहां इलेक्ट्रिक चार्ज रखा है तो उसके चारों तरफ क्या बनेगा, यस स्फीयर बनेगा। और अब तू देख ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तेरा और ये सरफेस है तेरा, कितना एंगल आया 90 डिग्री, कितना एंगल आया 90 डिग्री। और अगर तू यहां पर एक स्मॉल एरिया लेता है डीएस, और डीएस भी तेरा इसी डायरेक्शन में आएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, एंगल कितना 0 डिग्री। अगर तू यहां पर डीएस लेता है एरिया वेक्टर के साथ, एंगल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 डिग्री, यानी कि डिस्टेंस भी तेरा फिक्स हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 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 हर जगह सेम है, और हर जगह अगर आप तुम डीएस इमेजिन करते हो तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सेम एंगल पर है, थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो, यानी कि इसमें थीटा की और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमिट्री मिल गई। तो ऐसे वाले सरफेस को हम कहते हैं गाउसियन सरफेस, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं मेथड, और उसके बाद हम एक एक करके सारी गॉस लॉ एप्लीकेशन पढ़ लेंगे। देखिए चल सुन, फर्स्ट स्टेप क्या है मेथड का, सुन, कंसीडर अ गाउसियन सरफेस। आपको सबसे पहले एक गाउसियन सरफेस कंसीडर करनी है अकॉर्डिंग टू सोर्स चार्ज, जैसा भी आपका सोर्स चार्ज है उसके अनुसार आपको गाउसियन सरफेस कंसीडर करनी है। उसके बाद उसमें स्पेसिफाई करना है आपको किसकी डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा की डायरेक्शन, क्लियर है, जैसा भी आपको बताया। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है फ्लक्स की। अगर अगर आपके जो गाउसियन सरफेस है अगर उसमें एक सिमेट्री ना हो, दो सिमेट्री ना हो, तीन सिमेट्री ना हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीन सिमेट्री है तो तीन बार कैलकुलेशन करेंगे, और एक सिमेट्री है जैसे इस क्वेश्चन में आप देखेंगे पॉइंट चार्ज के चारों तरफ एक ही सिमेट्री मिलेगी हमको, तो एक बार कैलकुलेशन हो जाएगी। इसमें आपकी 6 बार होगी क्योंकि ये वाले जितने सरफेस होंगे उसके अनुसार होगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगले स्टेप में हमको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है, क्या फ्लक्स निकालना है। थर्ड स्टेप में जो चार्ज आपने क्लोज सरफेस के अंदर रखा है वो कितना है, वो कितना है, उसकी कैलकुलेशन। और फोर्थ स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, आपको अप्लाई कर देना है गॉस लॉ, क्योंकि गॉस लॉ के एप्लीकेशन तो गॉस लॉ तो अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, और गॉस लॉ में क्या आता है, क्यू, क्यू मतलब टोटल चार्ज, इसलिए टोटल चार्ज हमको पहले से ही निकल के चलना पड़ेगा। बस ये चार स्टेप आप अच्छे से याद रख लेना, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से बनेगा। चला स्टार्ट करते हैं, देख पहला एप्लीकेशन बताता हूँ, इसको पहले पॉज कर लो, नोट कर लो, पॉज कर लिया, नोट कर लिया, अब आ जाओ भाई, मजा ना आ जाए तो कहना। देख तो हम यहां पर जितनी भी एप्लीकेशन करेंगे वो गॉस लॉ को यूज करके करेंगे। तो हम निकाल रहे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यूज गॉस लॉ, गॉस लॉ का यूज करके हम निकालेंगे, ठीक है। अब देख तेरे पास यहां पर एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है ये आपको पता है। मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूं बेटा, क्या बना लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से,
ये पॉइंट चार से तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है बेटा, क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है इस तरह से। सबसे आसान एप्लीकेशन इसी को कहते हैं, ये आपका तेरा पॉइंट चार्ज है, ठीक है, वो सेंटर पर रखा हुआ है, ठीक है। तो इससे आर डिस्टेंस पर बेटा तेरा एक पॉइंट पी है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर तेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके चात्र तुम क्या करोगे, सर इसके चात्र हम स्फीयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, स्फीयर बनाएंगे, और इस स्फीयर को इस तरह से बनाना है कि ये पॉइंट उस मतलब इस स्फीयर को इस तरह से बनाना है कि ये पॉइंट उस स्फीयर पर आ जाना चाहिए, क्योंकि वहीं पर तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। चलो तो ये अपने क्या बना लिया, स्फीयर, और आपको अभी बताया कि ये स्फीयर कैसा है, एक गाउसियन सरफेस है, क्योंकि इस पर अगर आप स्मॉल एरिया कंसीडर करते हो डीएस, तो उसका एरिया वेक्टर, डीएस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे, तो थीटा की वैल्यू तेरी कितनी हो जाएगी, जीरो डिग्री हो जाएगी। यानी कि पॉइंट चार्ज के चारों तरफ अगर आपको बनाना है तो क्या बनाना पड़ेगा, एक स्फीयर बनाना पड़ेगा। दिस इज अ गाउसियन सरफेस, और स्पेसिफाई हो गया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी है, सरफेस के राइट एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, राइट एंगल। देख कहीं पर भी तू सरफेस बना ले, अगर टेंजेंट प्लॉट करेगा तो हर जगह तेरे को एंगल कितना मिलेगा, 90 डिग्री एंगल मिलेगा, कितना एंगल मिलेगा 90, यानी कि हर जगह एंगल तेरा कैसा है 90 डिग्री। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन स्पेसिफाई हो गई, और थीटा भी तेरा हर जगह कैसा है, जीरो डिग्री, जहां पर भी जीरो, जहां पर जीरो, कहीं पर भी लेगा जीरो, ठीक है। चल अब नेक्स्ट स्टेप मैंने तेरे को क्या बताया कि आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, इस सरफेस से जार पास होने वाला फ्लक्स निकालेंगे, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ अ गाउसियन सरफेस। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल टू, इसी चीज को लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा, थीटा कितना है तेरा, जीरो डिग्री, समझ में बात, ठीक। अब कॉस जीरो कितना होता है बेटा तेरा, कॉस जीरो होता है तेरा वन होता है, और ई तो तेरा हर जगह सेम है, क्योंकि यार डिस्टेंस फिक्स हो गया ना, रेडियस फिक्स हो गया ना, तो डिस्टेंस फिक्स होने का इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तेरा बाहर आ जाएगा। तो इसको मैं रब कर देता हूँ बेटा, इन दो स्टेप को रब कर देता हूँ, ठीक है, आपने नोट तो कर ही लिया होगा यहाँ पर। तो देख तो फटाफट से करते हैं जल्दी से, तो ये तेरा फ्लक्स निकाल रहा हूँ मैं ई डी एस, ई कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, डी एस बचेगा। डीएस क्या है, एक स्मॉल एरिया का, एक स्मॉल एरिया मतलब सॉरी, जो स्मॉल सरफेस है उसका एरिया है, जो स्मॉल सरफेस है उसका एरिया है, और क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब क्या, जितने भी तेरे स्मॉल सरफेसेस हैं उन सब का सम क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, तेरा एस आ जाएगा। और एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है बेटा, आपको पता होगा 4πr² होता है, एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4πr² होता है। तो यहाँ पर रख दो, कितना आ जाएगा, ई मल्टीप्लाई 4πr², और ये तुम्हारा फ्लक्स कैलकुलेट हो गया। तो ठीक है, समझ में आया, फर्स्ट स्टेप में गाउसियन सरफेस कंसीडर किया और स्पेसिफाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा की डायरेक्शन को, सेकंड स्टेप में हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, फोर्थ स्टेप हमसे क्या कह रहा है, थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, कैलकुलेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस और गाउसियन सरफेस। चलिए आइए, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे टोटल चार्ज, टोटल नाउ टोटल चार्ज इनसाइड द गाउसियन सरफेस इज कितना है, अरे क्यू ही तो दिया है तो क्यू है बस। और फोर्थ स्टेप में आपका आंसर आने वाला है, जैसे आप गॉस लॉ अप्लाई करेंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। चलिए अप्लाई कर देते हैं, नाउ अप्लाई गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या होता है तुम्हारा, फ्लक्स ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्या है, टोटल चार्ज, कौन सा टोटल चार्ज इनसाइड दी गाउसियन सरफेस, वो कितना है क्यू, तो क्यू की जगह क्यू रखो, क्यू ही रहेगा, ठीक है साहब। और अब देखो ये इक्वेशन तुम्हारा फर्स्ट है मान ले, ये इक्वेशन तेरा सेकंड है, इसको पॉज कर लो, नोट कर लो, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब मैं जैसे इसको कंपेयर करूंगा तो तेरा देख इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली साइड कैंसिल हो जाएगी, ये बराबर ये आ जाएगा, ठीक, कुछ कैंसिल हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो ई की वैल्यू निकाल लो, इंप्लाई करके क्या आ जाएगी, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाइए। तो ये आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसका यूज करके, गॉस लॉ का यूज करके, ठीक है बेटा, समझ में आ गया, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पॉज कर लिए, नोट कर लिए। आइए अब हम करते हैं सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा फटाफट से।
बहुत इजी है यार, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए बस, बाकी सब बिल्कुल इजी, बहुत आसानी से आप कर पाओगे। आइए फटाफट सेकंड एप्लीकेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज, अब देखो यहां पर मेरे पास बेटा एक कंडक्टर है, लॉन्ग लेंथ, इन्फिनिट लॉन्ग लेंथ, लाइन चार्ज है, बहुत बड़ा कंडक्टर है, ठीक है बेटा। और अभी आपको पास पॉइंट चार्ज था, मतलब पॉइंट चार्ज को मैंने क्यू चार्ज दिया, तो वो सारा का सारा चार्ज उसी पॉइंट पर था, क्योंकि उसको रहने के लिए एक ही पॉइंट था, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इस पर दोगे, ये कंडक्टर है, बहुत बड़ी लाइन है, और जब आप इसको क्यू चार्ज दोगे, कितना चार्ज दोगे बेटा, क्यू चार्ज दोगे, तो ये चार्ज इसकी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है, तो रिपेल होकर चार्ज बिखर जाएगा, तो इस तरह से चार्ज पूरे में फैल जाएगा, ऐसे ऐसे चार्ज क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरी लेंथ पर, ठीक है साहब। अच्छा साहब, लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज। अब इसका जो मेजरमेंट होता है कि इसकी लेंथ पर कितना चार्ज है, दिया तो हमने क्यू था, लेकिन हर जगह चार्ज एक जैसा नहीं होता, तो उसका मेजरमेंट का तरीका हमने बनाया, इस तरह से बनाया बेटा कि हम ये कहेंगे कि एल लेंथ पर बेटा तेरा क्यू चार्ज है, तो यूनिट लेंथ पर कितना होगा तेरा, क्यू अपॉन एल होगा, और यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है लैम्डा, और लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ, कि पर यूनिट लेंथ पर इतना चार्ज हम मान लिए, ठीक है। ओके ओके जी, इसकी जरूरत पड़ेगी, हम बाद में यूज करेंगे। अब देखो, अब स्टेप क्या है, ये कंडक्टर है, इससे आर डिस्टेंस पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर एक गाउसियन सरफेस बनाएंगे, तो एक लाइन के चारों तरफ क्या स्फीयर पॉसिबल है, ना नहीं हो पाएगा काम, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंसेस आ जाएंगे। लेकिन अगर हम यहां पर सिलेंडर बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, सिलेंडर, तो सिलेंडर बनाने से क्या होगा कि आर रेडियस और एल लेंथ का जब हम सिलेंडर बनाएंगे, तो वो सिलेंडर का जो भी एक्सेस होगा वो अलोंग दी क्या होगा, लाइन चार्ज। बात समझ में आई कि नहीं, अलोंग दी क्या होगा, लाइन चार्ज। अब तुम यहां पर हो सकता है कि इसमें आपको दो सिमिट्री मिल जाए, एक ना मिले तो दो मिल, तो अरे दो बार कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, लेकिन कम से कम दो तो मिली, ऐसा तो नहीं है कि एक भी नहीं मिल रही, तो ये मानने से हमको दो सिमिट्री मिलेंगी। कैसे मिलेंगे देख, अब ये जो तेरा सिलेंडर है, सिलेंडर की शेप कैसी होती है यार, बोतल नुमा होती है, ये तेरे पास देख, इसको सिलेंडर कहेंगे, इस सिलेंडर में ये वाली सरफेस होती है, ये कर्व सरफेस होती है, ये तेरी फ्लैट सरफेस होती है, ये कर्व ये फ्लैट, तो यहाँ पर दो फ्लैट है और एक कर्व है, तो कैलकुलेशन तीन बार में हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सिमेट्री तो हमको मिल रही है। अब देख यहाँ पर एक और चीज समझ, जो तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है बेटा तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये जो लाइन चार्ज है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, दिस दिस, जैसे देख मैं बनाकर दिखाता हूँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ये तेरा ऐसे, ये तेरा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, मतलब एक लाइन के चारों तरफ ब्रश निकलेंगे, जो हेयर ब्रश होता है ना कर्ली वाला, ऐसे 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 चारों तरफ, ठीक है। और अगर आप उसमें लिफाफा बना दोगे तो वो लिफाफा ऐसे उसको एनवेलप बना लोगे, तो ऐसे वो टच करता हुआ चला जाएगा। अब आप खुद सोचो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो उस लिफाफे से ऐसे निकल कर जा रही है, इधर से ऐसे, ये वाली सरफेस से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये वाली से यहाँ से, मतलब ये चारों तरफ है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड तेरा ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, तो सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, देख ध्यान से देखना, सोचना इस बात को, ये तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर भी है लेकिन नहीं बना पाएंगे यार, 3D शेप है, ये तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी तरह से यहाँ पर भी तो चार्ज है, ये भी तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे भी है, पीछे भी है, लेकिन नहीं बना सकते ना बोर्ड पर, तो फील करो यार इस बात को, इस बात को फील करो, तो सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, कहीं पर भी देख ले बेटा, सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, राइट एंगल 90, चाहे यहाँ देख ले बेटा कितना एंगल बना रहा है 90, कहीं पर भी देख ले बेटा कितना एंगल बना रहा है 90, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, सरफेस के साथ राइट एंगल है, ठीक है साहब। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हमको सिमिट्री मिल गई, और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, क्योंकि ये आर डिस्टेंस पर ही तो हम यहाँ पर एक पॉइंट पी कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहला तरीका क्या होता है, एक स्मॉल सरफेस मानेंगे, और यही इसका एरिया वेक्टर है, डीएस वेक्टर, तो ये थीटा कितना आ गया तेरा, 0 डिग्री आ गया, थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया, समझ में बात। अच्छा सर, इसके लिए भी हम डीएस मान लेते हैं, तो ये तेरा एरिया वेक्टर हो जाएगा, डीएस वेक्टर, एंगल कितना आ गया तेरा यहाँ पर 90 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच एंगल होता है। इसी तरह से तुम यहाँ ले लोगे डीएस,
तो ये तेरा एरिया वेक्टर है और ये तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना एंगल 90 डिग्री। अगर तुम यहाँ लेते हो तो ये तेरा एरिया वेक्टर है डीएस वेक्टर, वो ये तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना एंगल है तेरा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ लेते हो तुम तो यहाँ पर यही तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और यही तेरा एरिया वेक्टर है, कितना एंगल है 0 डिग्री। यानी कर्व सरफेस के लिए हर जगह एंगल कैसा आ रहा है तेरा 0 0 0, और जो फ्लैट सरफेस है उसके लिए एंगल कैसा आ रहा है तेरा 90 90 90। लो थीटा की सिमेट्री मिल गई और उसकी सिमेट्री मिल गई, अब क्या दिक्कत वाली बात है, अब तो उड़ा दोगे तुम इसको। चलो आ जाओ उड़ा देते हैं फटाफट। सबसे पहले क्या निकालेंगे, फ्लक्स, लिंक्ड फ्लक्स, ठीक है, टोटल लिंक्ड फ्लक्स, टोटल लिंक्ड फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला बताइए फटाफट से, क्या होता बेटा बताओ बताओ। ठीक है सुन लिया मैंने, EDS इक्वल टू EDS cos थीटा। ठीक है बेटा, अब ये क्लोज के लिए, अब इसके आपने तीन हिस्से कर लिए तो इसी चीज को मैं ऐसे लिखूंगा। एक आपका कौन सा सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, उसके लिए EDS cos 0 डिग्री है तेरा। ठीक है, अब जब तोड़ के लिखोगे तो यहां से क्लोज का साइन हट जाएगा। दूसरा कह रहा तेरा क्या है, फ्लैट सरफेस, वन EDS cos 90 डिग्री प्लस, तीसरा भी तेरा क्या है, फ्लैट सरफेस, टू EDS cos 90 डिग्री। बस तीन बार पे हो गई कैलकुलेशन। क्लोज का मतलब क्या है, चारों तरफ से cos 0 कितना होता है तेरा, वन होता है, cos 90 कितना होता है, जीरो होता है, तो ये जीरो जीरो और ये कितना हो वन, और ये कॉन्स्टेंट है हर जगह बाहर है तो ई बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा ds बचेगा, और ds का इंटीग्रेशन क्या होता है तेरा s होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है s लिख देंगे, अब s क्या है यहाँ पर, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर कितना होता है तेरा बता, 2πRh होता है, लेकिन h की जगह यहाँ पर क्या है तेरी लेंथ, लेंथ तो 2πRL, तो ये तेरा क्या आ गया, फ्लक्स आ गया बेटा EDS, ये तेरा क्या आ गया, फ्लक्स आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड स्टेप में तेरे को क्या बताया था, सॉरी दो स्टेप हो गए, फर्स्ट स्टेप में गाउसियन सरफेस बन गया, सेकेंड स्टेप में फ्लक्स कैलकुलेट हो गया, और थर्ड स्टेप में क्या करना होता है हमको, ठीक समझ रहे हो, चार्ज कैलकुलेट करना होता है। तो अब निकालेंगे टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इनसाइड द गाउसियन सरफेस इज, बताइए कितना आएगा। देखो ना अभी स्टार्टिंग बताया था, क्यू का मान निकालना, लैम्डा मल्टीप्लाई एल, क्यू का मान कितना आ जाएगा, लैम्डा मल्टीप्लाई एल आ गया। अब नाउ अच्छा इसको पहले पॉज कर लो, पॉज कर लो, नोट कर लो, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ भाई, तो मेरा बोर्ड भर गया है तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूंगा यहाँ पर। अब आइए बच्चों, ठीक है देखो कितना आएगा, अप्लाई अप्लाई गॉस लॉ, गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या कहता है तुम्हारा, क्लोज इंटीग्रेशन EDS Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और टोटल चार्ज है Q का मतलब टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना है तेरा, लैम्डा इनटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों को कंपेयर कर लो, तो E इंटू 2πRL इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L से L तेरा कैंसिल हो गया, तेरा आ गया लैम्डा अपॉन 2πEpsilon नॉट R, ये तेरा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। हम चाहे तो इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, तो ग्राफ कैसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का क्या ग्राफ बनेगा, देख ये तेरा पूरा कांस्टेंट है, तो 1/r, 1/r का मतलब क्या होता है, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या बनेगा तेरा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये तेरा ग्राफ बन जाएगा। तो लाइन चाहे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो उसका रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स, स्क्वायर में नहीं होता, इनवर्स होता है, इनवर्स। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसको पॉज करिए नोट करिए, पॉज कर लिया नोट कर लिया, अगली डेरिवेशन देखिए, नेक्स्ट एप्लीकेशन खुद आप कर रहे हैं बेटा। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल, देखो भाई समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल, आइए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल, ठीक है, शेल या स्फीयर। अब सुनो
कंडक्टिंग शेल, जैसे कि खोखला गोला, अंदर से खोखला होता है, ग्लोब देखा आपने, ग्लोब वो अंदर से क्या था, होता है खोखला, और एक होता है सॉलिड, सॉलिड गोला, सॉलिड स्फीयर, और एक होता है हॉलो स्फीयर, एक होता है सॉलिड स्फीयर, एक होता है हॉलो, हॉलो क्या है शेल है तेरा, ठीक है, और सॉलिड क्या है जिसमें हर जगह क्या होगा मेटल होगा, लेकिन है तो तेरा कंडक्टिंग। और याद रखना जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज देंगे तो वो चार्ज रिपेल होकर बिखर जाएगा, कहाँ, उसके आउटर सरफेस पे, कहाँ पर, आउटर सरफेस पे, ठीक है, ये याद रखना। तो देख ये तेरा एक स्फीयर है या शेल है, ठीक है, अब ये इसका सेंटर है बेटा, ठीक है। अच्छा तुम एक चीज बताओ, इसको मैंने चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया बेटा, क्यू, क्यू चार्ज दिया बेटा मैंने इसको, क्यू 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 क्यू, ये क्यू चार्ज मैंने बेटा इसको दे दिया, डुडी 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 डुडी, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो डिस्ट्रीब्यूट चार्ज हो गया, अब ये चार्ज कहाँ है, इसके सरफेस पर है, कहाँ है, सरफेस पर। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो जो होती हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, कैसी होती है बेटा, परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसे तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि वो आता हुआ अपीयर कहाँ से होगा, राइट, वेरी गुड, ठीक समझ रहा है, सेंटर से अपीयर होगा, आता हुआ अपीयर कहाँ से होगा बेटा, सेंटर से। तो दिया कितना चार्ज था बेटा तुमने, क्यू, और पूरा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, लेकिन अपीयर कहाँ से हो रहा है, सेंटर से। तो इस चार्ज को कहाँ रखा मान सकता हूँ बेटा मैं, सेंटर पर, अगर मैं इसको सेंटर पर रखा मान सकता हूँ, तो अगर मैं सेंटर पर रखा मान सकता हूँ तो यानी कि ये वाली जो कैलकुलेशन हो जाएगी तो वो तो पॉइंट चार्ज की हो जाएगी, हाँ बिल्कुल हो जाएगी, ठीक समझ रहा है, बिल्कुल वही 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 कैलकुलेशन हमको करनी है यहाँ पर। अब देखो इसमें पॉइंट क्या है, इसमें ये चीज़ है, एट पॉइंट पी आउटसाइड दिस शेल, तो आउटसाइड दिस शेल होगा तो इस समय क्या होगा, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, क्योंकि इसका हमने रेडियस कितना माना है, कैपिटल आर बना है, और ये वाला जो पॉइंट है तेरा कहां पर है, यहां पर है पॉइंट पी आर डिस्टेंस पर। तो यहां पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसका यूज करके निकालना है, गॉस थ्योरम। तो गॉस क्या कहता है, एक गाउसियन सरफेस बना, ये बना ली गाउसियन सरफेस, ओ को सेंटर मानकर आर रेड, तो यहां पर तेरा क्या हो जाएगा, डीएस हो जाएगा, डीएस हो जाएगा, और ये तेरा एरिया वेक्टर हो गया डीएस वेक्टर, और ये तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल कितना आया, जीरो डिग्री। अब तुम इतने समझदार हो, हर जगह एंगल कितना रहेगा, जीरो डिग्री। तो बस फटाफट से इस सरफेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, फ्लक्स आ जाएगा तेरा ईडीएस, ईडीएस कॉस जीरो डिग्री, ई कॉन्स्टेंट है 12 आ जाएगा, कॉस जीरो वन होता है, और डीएस का इंटीग्रेशन कितना होता है तेरा, एस होता है, डीएस का इंटीग्रेशन कितना होता है, एस, और एस क्या है, एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है, 4πr², ठीक है। तो ये तेरा क्या आ गया, फ्लक्स आ गया साहब, ये तेरा क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो इसको, चलो अब हम क्या निकालेंगे, टोटल चार्ज, चलो अप्लाई कर देते, अप्लाई गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है तेरा, फाई ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अरे जितना भी चार्ज दिया उसको सेंटर पर मान सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपीयर कहाँ से हो रही है, सेंटर से, तो क्यू मान लिया, ठीक है, तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है चार्ज के साथ, तो इनको कंपेयर कर लेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वही आ जाएगा कितना, क्यू अपॉन 4πε₀r², ये तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। फालतू मैंने कैलकुलेशन कर दी, मेरे को डायरेक्टली बता देना चाहिए था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, इतना आएगा। अब तो समझ गए, ये पहला पॉइंट की कैलकुलेशन है, पहले इसको पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पॉज कर लिया, नोट कर लिया, अब मैं इस पॉइंट को लिख लेता हूँ, बाकी सबको रफ कर देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं बचा, ठीक है। देखो भाई, तो तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कितना, क्यू अपॉन 4πε₀r². अब सेकेंड पॉइंट में क्या होगा, एट पॉइंट पी सर, एट पॉइंट पी ऑन सरफेस, ऑन सरफेस, अब तुम्हारा पॉइंट पी सरफेस पर है, तो आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा तेरा, क्यू अपॉन 4πε₀r² न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। तो R के स्थान में क्या आ गया, कैपिटल R। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था तुम्हारा, वीक था, क्योंकि पॉइंट चार्ज से अगर आप डिस्टेंस पे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है, क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अब आप सरफेस पे आ गए तो डिस्टेंस तो कम हो गया ना, कम हो गया, आर के बराबर हो गया, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब थर्ड स्टेप में हम देखते हैं कि अब वो आपका पॉइंट जो है वो कहाँ आ गया, सेंटर पर आ गया। अच्छा अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूँ इसके लिए,
चलो देखो, अब आपका ये बेटा स्फीयर है, ठीक है। अब आपका पॉइंट ये तेरा आर डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है आर। अब पॉइंट तेरा यहाँ आ गया पी, और ये तेरा आर डिस्टेंस है, तो यहाँ पर तुम एक गाउसियन सरफेस बनाओगे, ठीक है। तो तेरा सारा चार्ज तो कहाँ पर है, अरे माना था कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन तेरा चार्ज एक्चुअल में है कहाँ, तेरा चार्ज तो एक्चुअल में सरफेस के बाहर है, सरफेस के कहाँ है बाहर है, और सरफेस के बाहर है और क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इससे कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा, साफ फ्लक्स लिंक्ड होगा जीरो, यानी कि तेरा फ्लक्स कितना होगा, फाई की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। मतलब अरे यार गॉस थ्योरम क्या होता है, देखो गॉस थ्योरम क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो तेरा अंदर चार्ज कितना है, तेरा अंदर चार्ज है जीरो, तो फ्लक्स तेरा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अब फ्लक्स जीरो हो गया, तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तेरा हो जाएगा फाई इक्वल टू ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, जैसे अभी कैलकुलेशन करके इसको निकाला था, वैसे ही कैलकुलेशन करके निकालेंगे, और फाई की वैल्यू तेरी कितनी है जीरो, तो यहाँ पर तू जीरो रखेगा, तो ई फोर पाई आर स्क्वायर, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो, ठीक है। क्योंकि फ्लक्स जीरो है, गॉस की थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो गॉस की थ्योरम ये कहती है कि चार्ज कहाँ होना चाहिए, गाउसियन सरफेस के अंदर, लेकिन गाउसियन सरफेस हमने जो बनाया पॉइंट के लिए, पॉइंट पी के लिए सरफेस के अंदर बनाया, स्फीयर के अंदर बनाया, तो वहाँ पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो फ्लक्स कितना हो गया तेरा, जीरो हो गया। और फ्लक्स जीरो हो गया तो फ्लक्स अभी आपने निकाला था कैलकुलेट करके, ये आया था ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर जीरो रख देंगे तो तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से तुम्हें क्या याद रखना है इस टॉपिक में, इस टॉपिक में आपको ये याद रखना है, कंडक्शन कंडक्टिंग शेल के लिए बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड तेरा इतना होता है जितना पॉइंट चार्ज करने का, सरफेस पर ये होता है, और सरफेस के अंदर स्फीयर के अंदर कितना होता है, जीरो होता है। अब इसका जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो है इसका ग्राफ, इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है नीट जेई के लिए। देखिए ग्राफ में बनाता हूँ, इसका ग्राफ देखिए, ये तेरा बेटा आर डिस्टेंस है और ये तेरा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये वाला ये सेंटर से तेरा स्फीयर कितना बड़ा है, कितना रेडियस का है, आर रेडियस का, तो ये तेरा आर हो गया, यानी कि इस सिचुएशन में आर इक्वल टू आर, और यहाँ पर तेरी क्या चल रही है, डिस्टेंस चल रही है, यहाँ से इधर की तरफ जाओगे तो तेरा आर बड़ा होता जाएगा, हाँ, और अंदर की तरफ आओगे तो तुम्हारा आर छोटा होता जाएगा, यानी कि यहाँ पर किसको वेरी कर रहे हैं हम, आर को वेरी कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर तेरा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देख सरफेस, सरफेस पर तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, सरफेस पर भाई साहब तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड था मैक्सिमम कितना, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और सरफेस से कैसा था देख, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और जब भी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो तुम्हें पता है क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये तेरा बन जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अब हमने पॉइंट को कहाँ लिया है, स्फीयर के अंदर लिया है, यानी कि आर से ये छोटा हो गया, कैपिटल आर से ये छोटा हो गया, तो अब यहाँ से तेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है और यहाँ से तेरा डिक्रीज हो जाता है, और अंदर आके कितना हो जाता है, जीरो। तो बेटा ये वाला ग्राफ तुम्हें कंडक्टिंग शेल के लिए अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। अब हम पढ़ते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग मतलब एक ऐसा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया जिसको हम चार्ज देंगे, तो चार्ज का क्या होगा, चार्ज बेटा उसकी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, वॉल्यूम में, अब उसकी सरफेस पे नहीं जाएगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है यार, नॉन कंडक्टिंग में चार्ज चल नहीं सकता ना, रिपेल हो रहा है, हाँ हो रहा है, लेकिन जा नहीं सकता, तो उस केस में क्या होगा, तो देख, हाँ इसको पहले पॉज कर लो, पॉज कर लिया, नोट कर लिया, आइए अब हम लेते हैं नॉन कंडक्टिंग शेल। देखो नॉन कंडक्टिंग शेल यहाँ पर हम ले रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग क्या है, स्फीयर है। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, एट पॉइंट पी आउटसाइड ये फॉर्मूला आ जाएगा तेरा, एट पॉइंट पी ऑन सरफेस यही फॉर्मूला आएगा, लेकिन अब तीसरे के लिए हमको यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको मैं मिटा देता हूं बेटा, ठीक है। तीसरे को जरा समझना आप लोग, देखो अब आपका ये स्फीयर है, चार्ज कहाँ है, साफ चार्ज मैं से बना लेता हूँ यहाँ पर ऐसे, ये डिडिक 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 करके पूरे में चार्ज फैला हुआ है, चार्ज कितने वॉल्यूम में फैला हुआ है, बी वॉल्यूम में। अब
अच्छा इसका वॉल्यूम बेटा भी है, तो भी वॉल्यूम में मैंने कितना चार्ज दिया इसको क्यू, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा तो तुम्हें पता है क्यू अपॉन भी, और यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज होता है उसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी रो, चार्ज डेंसिटी रो, रो इज अ चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, रो इज अ चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ये याद रखिएगा, इसका हम यूज करेंगे। डन। अच्छा ये तेरा सेंटर है और इसका रेडियस कितना है तेरा आर है। अब तेरा पॉइंट कहाँ आ गया बेटा, अंदर आ गया। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूँ। थर्ड पॉइंट में क्या होगा, एट पॉइंट पी इनसाइड, तो इनसाइड हो गया मतलब आर छोटा हो गया कैपिटल आर से, ठीक है। तो अगर यहाँ पर तुम्हारा पॉइंट पी आ गया और यहाँ पर आप गॉसियन सरफेस बनाते हो, तो अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर इतने वॉल्यूम का चार्ज आ रहा है, इतने वॉल्यूम का क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है, तो हमको यहाँ पर फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए आइए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डी एस, अरे यार इसी कोई फाइव बोलते हैं, टेंशन मत लेना। क्या होगा, ई डी एस कॉस, और एंगल तो पता ही है यार, एंगल समझ गए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ स्फीयर है ना, कितना होगा जीरो डिग्री, कॉस जीरो कितना होता है बेटा वन, ई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी एस का इंटीग्रेशन क्या होता है एस, और एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होगा तेरा, एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होगा तेरा, बोल जल्दी, फोर पाई आर स्क्वायर, अच्छा ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो टोटल चार्ज इनसाइड द गाउसियन सरफेस, तो इसके वॉल्यूम में कितना चार्ज है, देखो वॉल्यूम में चार्ज कैसे निकालेंगे, ये लिखा है देखो, वी का मल्टीप्लाई कर दो, रो इंटू क्या आ गया, वी आ गया। अब वी क्या है तेरा, वॉल्यूम, वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, फोर अपॉन थ्री, सॉरी रो इंटू फोर अपॉन थ्री पाई आर आर क्यू, और ये देखो ये वाला स्फीयर की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले की, तो इसका रेडियस तेरा कितना है, आर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर क्यू, ठीक है ना। ओके, जितना बड़ा गाउसियन सरफेस होगा उसी के अंदर का तो लेंगे, बाहर का थोड़े लेंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा बेटा ठीक है, समझ में आ गई बात, चलो आ जाओ भाई, तो अप्लाई गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या है, फाइ इक्वल टू, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू कितना है तेरा, ये रो मल्टीप्लाई फोर पाई आर क्यू डिवाइडेड बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, सही है कि नहीं, बोल सही है कि नहीं, सही है। चलो इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको बेटा पॉज कर लो और नोट कर लो, पॉज कर लिया नोट कर लिया, अब इन दोनों कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा तुम्हारा, ई फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, ये लिखा है रो फोर पाई आर क्यू डिवाइडेड बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, देख फोर पाई से तेरा फोर पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से एक तेरा ये वाला आर क्यू कैंसिल हो गया, तो तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इम्प्लाई करके ई बराबर आ जाएगा रो आर डिवाइडेड बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कहाँ आया, इनसाइड द गाउसियन सरफेस, इनसाइड द गाउसियन, लेकिन पिछले वाले केस में क्या था, शेल था आपका, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, जीरो होता है, ठीक है, क्योंकि चार्ज बाहर थे, यहाँ पर तो चार्ज पूरे वॉल्यूम भरा हुआ था, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्लियर है। तो इसको बेटा पॉज कर लो और इसको नोट कर लो, पॉज कर लिया नोट कर लिया, अब मैं आपको बताता हूँ इसका ग्राफ। तो देखो बच्चों ग्राफ हम बनाते हैं इसका, ग्राफ ही आपका इंपॉर्टेंट है, वही आपका एग्जाम में आना है, तो अच्छे से समझ लीजिए। देखिए बच्चों ये तुम्हारा बनेगा ग्राफ, यहाँ पर आर है तेरा, ये तेरा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तेरा आर कैपिटल आर के बराबर है, यहाँ पर तेरा आर कैपिटल आर से बड़ा है, और इसके अंदर आर तेरा छोटा है कैपिटल आर से, और ये तेरा क्या है सर, स्फीयर का सेंटर है, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ है ये, ठीक है, आइए। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, सेंटर पर यानी कि सॉरी सेंटर सरफेस पर, ये क्या है सरफेस है तेरा, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था तेरा, मैक्सिमम कितना, अगर आप क्यू की वैल्यू रख दोगे, क्यू की वैल्यू क्या आएगी, क्यू की वैल्यू यही आएगी भाई, क्यू की वैल्यू रखना चाहो तो रख लो, ठीक है, नहीं रखना चाहो तो नहीं रखो, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आप चाहो तो क्यू की वैल्यू रख लेना, क्यू का मतलब क्या है, देख क्या है, क्यू का फॉर्मूला जी था ना कहाँगे, ये रो, भी क्या है, भी वॉल्यूम फोर अपॉन थ्री पाई आर, देख सरफेस के लिए रेडियस कितना है तेरा,
आर क्यूब डिवाइडेड बाय ये। तो इसको तो सॉल्व करोगे तो मैं मुझे लगता है कि इसका आंसर उसी के बराबर आ जाएगा, रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। एनीवे ठीक है, कन्वर्ट करना चाहो। एनीवे इसके बाद का क्या सिस्टम था, इसके बाद का सिस्टम था ये था कि यहां से आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा क्योंकि E का रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है, वो भी स्क्वायर में। अब हम आ गए सरफेस पर। सरफेस के बाद क्या हुआ, सरफेस के बाद ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर कितनी है 1, और यहां पर आर की पावर भी कितनी है 1, और जब पावर 1 होती है तो रिलेशन कैसा होता है, रेक्टिलिनियर, जहां पर मतलब ई अनुक्रमानुपाती आर है, यानी कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर, और जहां पर ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द आर, और जहां पर देख लो मैक्सिमम है। तो ये आपका ग्राफ बनेगा किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, समझ में आई बात। तो ये आपका एप्लीकेशन हो गया बहुत सारा, इसको पॉज करिए, नोट करिए बेटा, पॉज कर लिया नोट कर लिए। अब देखिए आगे की बात करते हैं, अब नेक्स्ट डेरिवेशन मैं आपको कराने वाला हूं, ध्यान देखिए नेक्स्ट डेरिवेशन देखिए। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट। तो देखिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट। अब बेटा आपके सामने एक प्लेन सीट है, प्लेन सीट मतलब इस तरह से आपकी लाइक दिस, ओके भाई ये तेरी क्या है, प्लेन सीट है, ओके ये प्लेन सीट है। अब इसको भी आपने कितना दिया चार्ज, इसको चार्ज दिया आपने क्यू चार्ज दिया, तो क्यू चार्ज तो प्लेन सीट पर दे रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और कंडक्टिंग सीट है तो ये इसकी इन्फिनिट लेंथ इन्फिनिट एरिया में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा इस तरह से, क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसके लिए भी आपको एक चीज याद रखनी है, हमने ए एरिया पर कितना चार्ज दिया Q, तो यूनिट एरिया पर कितना होगा साहब Q अपॉन A, और यूनिट एरिया पर जितना चार्ज होता है उसको बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा इज अ चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया, सिग्मा इज अ चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया लिख लेना आप, ठीक है। अब बेटा इससे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है तेरा, ऐसे पैरेलल निकलता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है ऐसे प्लेन सीट से, ऐसे ऐसे एरो निकलेगा, जैसे ब्रश होता है ना, अरे यार मेरा ब्रश नहीं है, नहीं मैं दिखाता तुम्हें, एक ब्रश होता है उससे ऐसे वो निकलते रहते, ब्रश करते हो वो वाला ब्रश देखो उसमें कांटे निकल जाते हैं, वही है वही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब इससे बेटा हमको आर डिस्टेंस पर, कहां पर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, यहां पर हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक गाउसियन सरफेस बनाएंगे, फर्स्ट स्टेप क्या गाउसियन सरफेस। अब देख गाउसियन सरफेस बनाने के लिए यहां पर आप या तो आप क्या कहते हैं क्यूबॉइड बना सकते हो आप यहाँ पर, या फिर आप यहाँ पर सिलेंडर बना सकते हो। चलो हम सिलेंडर बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं बेटा सिलेंडर। तो देखो मैं बेटा यहाँ पर सिलेंडर बना रहा हूँ, ये आपका सिलेंडर ऐसे बनेगा, ये लाइक दिस, ये लाइक दिस ऐसे, और ये इसको चीरते हुए जाएगा अंदर से यहाँ पर, ठीक है ओके जी। मतलब ये इसके अंदर से होता हुआ जा रहा है, मतलब आप ये कह सकते हो कि जैसे आपके सामने ये है, यहाँ से सिलेंडर आपका चीरता हुआ ऐसे निकल के ऐसे निकल रहा है, ऐसे घुसा ऐसे निकल रहा है, ठीक है साहब ओके। अब देखो फटाफट देखो, अब यहाँ पर क्या चीज़ है जरा ध्यान समझिएगा बेटा, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ये जो आपका है इसका कुछ एरिया होगा, मान लें इसका टोटल एरिया मैंने कितना माना ए, एक छोटे से सरफेस की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका एरिया कितना होगा डी ए होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो तेरा यही है, यही तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और यही तेरा एरिया वेक्टर है, तो एंगल तेरे को यहाँ पर कितना मिला जीरो, यानी कि इस फ्लैट सर्फेस के लिए एक एंगल कितना है जीरो डिग्री, और आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तेरा कॉन्स्टेंट ही रहेगा। इसी तरह से अगर ये तेरा डी ए है तो ये इसका अगर छोटा सा एरिया लोगे तो ये तेरा डी ए हो जाएगा और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अरे यार समझो बात को, देखो ये जो चार्ज दिया है आपने, ये चार्ज यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पर भी है, तो यहाँ के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे है और यहाँ के चार्ज के कारण ऐसे ऐसे पैरेलल लाइन से, तो इसी डायरेक्शन में होगा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो डिग्री। अब ये डिस्टेंस तेरा आर है और ये डिस्टेंस कितना है आर, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल इसका वो कितना हो जाएगा लेंथ, टू आर हो जाएगा, ठीक। ये तेरा क्या है कर्व सरफेस, इसको मान लिया डी ए, तो ये तेरा डी ए वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा तेरा बेटा
डी ए वैक्टर हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो तेरा ये है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें तीन सर्फेसेस आ गए, कितनी सर्फेस आ गए, तीन आ गए। अगर बेटा अगर आप इसके चारों तरफ क्यूबॉइड मानते, जैसे मान लो ये मैंने एक क्यूबॉइड बना रहा हूँ, समझना जरा बात को, अब थोड़ा बड़ा बन गया सॉरी, इसको हम छोटा बना लेते हैं, देख समझना बात को, बात को समझना भाई, मजा ना आए तो कहना। देख ये क्यूबॉइड बन जाता और यहां पर तुम्हारी क्या बन जाती, प्लेन सीट बन जाती। तो अगर तुम यहां से ये डिस्टेंस पे पॉइंट पी लेते तो देख ये वाला एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा, 0 डिग्री बना रहा कि बना रहा। इसी तरह से इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड तेरा यही है और एरिया वेक्टर भी तेरा यही है, कितना एंगल बना रहा, 0 डिग्री। और बात करें ऊपर वाले के लिए, तो ऊपर वाले के लिए अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो तेरा पैरेलल है, ऐसे दूसरे पेन से बना लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो तेरा ऐसे पैरेलल है कि नहीं। और इसका अगर आप डी ए लेते हो तो ये ऐसे बनेगा, डी ए वैक्टर कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। नीचे वाले की बात करोगे तो ये तेरा डी ए वैक्टर, ठीक है, और ये तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, 90 डिग्री। ठीक है, और ये वाली सरफेस भी होती है इसमें, ये सामने इधर वाली, तो मतलब इसको लेने से प्रॉब्लम यही है कि आपको 6 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, और आपको पता है 2 बार के लिए रहेगी और 3 बार के लिए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एनीवे, तो इसके लिए हम ये भी बना सकते हैं, ये वाला सरफेस भी हम बना सकते हैं। तो हमने सिलेंडर बना दिया, कोई खास बात नहीं है, लेकिन चीज वही है ये। ठीक है, तो आपको ऐसे सोचना पड़ता है। आइए चलिए फ्लक्स कैलकुलेट करो फटाफट से। फ्लक्स क्या है तेरा, फ्लक्स है तेरा क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल टू क्या होता है, क्लोज्ड ईडीएस कॉस थीटा। अब इसकी कैलकुलेशन 3 पार्ट में करेंगे हम लोग, तो 3 पार्ट के लिए एक आपका कर्व सरफेस है, इसके लिए ईडीए, अच्छा ए ए वाल बोल रहा है तो यहाँ पर ए लगा ले, चल डी ए कॉस 90 डिग्री, देख कर्व सरफेस के लिए 90 डिग्री है, प्लस दो तेरे फ्लैट है, फ्लैट 1 ईडीए कॉस 0 डिग्री, सेकेंड भी तेरा फ्लैट है, फ्लैट 2, किसी को भी 1 2 नाम दे सकते हो, इसको 1 इसको 2 या इसको 1 इसको 2 नाम दे सकते हो आप। ठीक है, तो कितना ई डी ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है साहब, अब देख ये तो 90 खत्म हो गया तेरा, कॉस 90 मतलब 0 ये आ जाएगा तेरा, ये 0 कॉस 0 1 होता है और डी ए का इंटीग्रेशन ए होता है, कॉस 0 1 होता है, डी ए का इंटीग्रेशन ए होता है, तो तेरा कितना आ गया, 2 ई ए आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको बेटा पॉज कर लो, नोट कर लो, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। आइए अब हम क्या निकालेंगे, चार्ज, तो टोटल चार्ज निकालेंगे, टोटल चार्ज, तो चार्ज की कैलकुलेशन मैंने अभी आपको बताई, मल्टीप्लाई कर दो सिग्मा इनटू ए, तो अप्लाई, नाउ अप्लाई गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या कहता है तुम्हारा, गॉस लॉ कहता है क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू कितनी है, सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट। अब ये तेरा इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन तेरा सेकंड है। अब मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, तो इनको कंपेयर करोगे तो आपका आ जाएगा 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक चीज़ सुनो जरा, यहाँ पर ए क्या है, एरिया ऑफ द सिलेंडर, और यहाँ पर ए क्या है, एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो देखो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो चाहे ये वाली सरफेस लो चाहे ये वाली सरफेस, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एरिया तो कट ही जाना है लास्ट में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया तेरा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, ध्यान सुन लेना जल्दी से, कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस को बढ़ाने या घटाने से कम होता है कि ज्यादा होता नहीं, तो देख क्योंकि हमारे फॉर्मूले में आर आता ही नहीं है, तो अगर इस डिस्टेंस को आर से बढ़ाकर तुमने 2R कर दिया, लंबा कर दिया पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अंदर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका फॉर्मूला, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, क्योंकि आर नहीं आता ना आपके में, तो आर कम ज्यादा करोगे तो फॉर्मूले में रख के करोगे ना, तो फॉर्मूले में आर है ही नहीं तो क्या करोगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड पर इफेक्ट पड़ता तो किससे पड़ता है, चार्ज डेंसिटी से पड़ता है।
वो कम ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। क्लियर है बेटा? जो आज के इस क्लास में हम लोगों ने गॉस लॉ के एप्लीकेशन पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया, उसका मेथड समझ लिया और कौन कौन से एप्लीकेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कुछ छूट गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी कराऊंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो आपके बोर्ड के लेवल के हैं वो तो सारे मैंने इसमें कराई दिए। क्लियर है? बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी दोस्त यारों को जरूर शेयर करना। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास तक। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।